शुक्रिया। सेवा संगठन के आप सभी आयोजकों का कि आपने हमें आपसे रूबरू होने का मौका दिया। नागपुर एक ऐसी जगह है जिसकी मिट्टी से हमें एक अलग तरह का आकर्षण जुड़ाव महसूस होता है और इस नागपुर में आपने हमारा स्वागत एक विचार पुष्प से किया। मेरे लिए ये बिल्कुल नए तरह का स्वागत लगा कि एक पुष्प एक विचार। आप सब आयोजकों का इसके लिए बहुत शुक्रिया। मुझे हमेशा वो कार्यक्रम ज्यादा बेहतर लगता है जिसमें फूलों पर पैसा कम खर्च करके किसी किताब या कलम पर पैसा खर्च किया जाए, और आज ऐसा ही लगा कि द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज ये पुस्तक भेंट की गई। इसके लिए भी मैं आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि फूल सुबह तोड़े जाएं तो शाम तक मुरझा जाते हैं, किताबों में लिखे विचार पीढ़ी दर पीढ़ी हरे रहते हैं और दिशाएं देते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 132वीं जयंती पर आयोजित ये स्टेट बैंक कर्मचारी संघ के इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। दुनिया में तीन किस्म के इंसान पाए जाते हैं। एक वो जो इतिहास लिखते हैं, हम जिनकी जयंती मना रहे हैं, वो उन लोगों में से, उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिन्होंने इतिहास लिखा है, हम उन्हें याद कर रहे हैं। दूसरे किस्म के वो लोग होते हैं जो इतिहास पढ़ते हैं। बाबा साहब ने इतिहास लिखा, वो उस पहली कैटेगरी पहले किस्म के तमाम लोगों में शुमार हैं। हम जैसे लोग कोशिश करते हैं कि इतिहास को पढ़ें। और एक तीसरे किस्म के इंसान होते हैं जो न इतिहास लिख पाते हैं न इतिहास पढ़ पाते हैं, इसलिए वो जब सत्ता में आते हैं तो इतिहास के सिलेबस बदलने को ही इतिहास लिखना समझ लेते हैं। हम ऐसे वक्त में, ऐसे लोगों के शासनकाल में यहां इकट्ठा हुए हैं जिन्हें यह गुमान है कि वो सत्ता पर काबिज होकर के इतिहास के किताबें सिलेबस बदल करके कुछ नया इतिहास लिख जाएंगे। और अभी हमारे पूर्व के वक्ता ने बहुत शानदार एक बात कही कि नागपुर, जैसे हम बाबा साहब के एक कर्म भूमि, संकल्प भूमि और एक दिशा भूमि के रूप में जानते हैं, पिछले साल मैं उसे दीक्षा भूमि के जलसे में शामिल था, मुझे उस मिट्टी से एक ऊर्जा महसूस हुई कि वो हिम्मत कितनी बड़ी रही होगी कि जो धर्म इंसान को इंसान से बांटता हो, जो धर्म इंसान को जातियों में बांटकर किसी को ज्यादा सम्मान और किसी को अपमान देता हो,
मैं ऐसे धर्म में पैदा जरूर हुआ क्योंकि ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं उस धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे वश में है। और एक क्रांति का आगाज उन्होंने उस समय धर्म परिवर्तन करके किया था, और बुद्धिज्म के रूप में एक ऐसे धर्म को कबूल करने की बात कही जिसने इंसान को इंसान से जोड़कर बराबरी का पाठ दुनिया को पढ़ाया था। तो मैं नागपुर की जमीन को उस जगह से देखने और महसूस करने की कोशिश करता हूं, और वहां से जब देखने की कोशिश करें तो आपको नागवंश तक जाना पड़ेगा, यहां किनका शासन था और क्यों बाबा साहब ने नागपुर को चुना। नागपुर के लोग हमसे बेहतर ये इतिहास जानते हैं। और उससे पीछे अगर जाएंगे तो ये पूरा महाराष्ट्र का एक आंदोलन, और उसमें से हमारे पुरखों में एक महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले, और उसके बाद छत्रपति शाहू जी महाराज, इन लोगों ने जो क्रांति का एक बीज बोया। छत्रपति शाहू जी महाराज, महात्मा फूले और डॉक्टर अंबेडकर के बीच की कड़ी। तो छत्रपति शाहू जी महाराज से होते हुए महात्मा फूले के पूरे इतिहास से जुड़ने की मैं कोशिश करता हूं। हमारे यहां हिंदी की दुनिया में नव जागरण पढ़ाया जाता है, रेनेसा, उसमें एक सबसे ज्यादा ताकत से पढ़ाया जाता है, वो बंगाल का नवजागरण है। और दूसरा एक नवजागरण जो रेनेसा, जो क्रांति थी, उसे उतनी तवज्जो नहीं मिले, वो महाराष्ट्र का नवजागरण था। ज्ञानदेव नामदेव तुकाराम से होते हुए शाहू जी और फूले साहब तक एक ऐसा इतिहास मिलता है। जब छत्रपति शिवाजी के बारे में महात्मा फूले शिवाजी का पंवाड़ा लिखते हैं, किसानों का दर्द बयां करने के लिए किसान का कूड़ा लिखते हैं, पहली ट्रेड यूनियन मिल कर्मचारियों के श्रमिक संघ बनाते हैं छत्रपति महात्मा फूले, और वहां से एक पूरी की पूरी विरासत, ऐसी विरासत जुड़ती है जिसे मैं आइडिया ऑफ इंडिया के विरासत कहता हूं। तो मेरे लिए नागपुर एक एक ऐसे इतिहास और एक ऐसे विरासत से जुड़ना है कि यहां खड़े होकर ऐसा महसूस होता है कि हम डाली में लगे कुछ कमजोर पड़ते जा रहे पत्ते अपनी जड़ों से जुड़कर ताकत और हिम्मत महसूस कर लौटते हैं कि हमारी जड़ें बहुत गहरी। और इसी जगह एक दूसरी भी जड़ है, और उसे दीक्षा भूमि के पास में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने लगभग 100 साल पहले अपना एक संगठन बनाया, जिसके लिए दावा करते हैं कि वो गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन सबसे ज्यादा राजनीतिक काम वही होते, और वहां से वो पूरे भारत को एक नए रूप में देखने और बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक दूसरा विचार है। और अभी जब साथी बोल रहे थे कॉमरेड एबी वर्धन का शहर, तो मुझे याद आ रहा था कि जब 1990 में मंडल आंदोलन के विरोध में कमंडल लेकर के कुछ वो लोग निकले थे भारत की सड़कों पर, जो उस समय हिंदू हृदय सम्राट और क्या क्या बन रहे थे, उस समय उस रथ की यात्रा को रोकने वाले लोगों में से एक लोग कॉमरेड एबी वर्धन भी थे। बिहार में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी, और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री उस समय लालू प्रसाद जी थे, और उन्होंने उस दंगाई आतताई रथ को रोका था। और आज मैं बार बार ये बात जोर देकर कह रहा हूं कि मंडल के विरोध में वो कमंडल का रथ निकला था, और उस रथ के संयोजक में से कुछ ऐसे चेहरे थे जो 2013 में
जब गुजरात से निकलकर देश का प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें अपनी जात याद आने लगी और दोनों बाहें फैला कर कहे कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं, मुझे वोट दे दीजिए। उस पूरे आइडिया ऑफ इंडिया का एक सूत्र भी नागपुर से जुड़ता है। तो वो जो मेरी निगाह में जब हम बाबा साहब को याद करते हैं तो ऐसे सभी कार्यक्रमों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जाती है, बहुत शानदार काम। और वो संविधान की प्रस्तावना जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो साफ तौर पर लिखा हुआ है, न्याय, समता, बंधुता, ये तीन मूल्य, और उनमें से भी साफ लिखा जा रहा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और तीसरा प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इसका अर्थ यह है कि बाबा साहब को याद किया जाना, भारत के संविधान को सामने रखकर याद किया जाना, हमारे लोगों से एक वादा करना है कि हम लाख विपत्ति की मुश्किल के घड़ी आए, हमें उस कारवां को रुकने नहीं देना है जिसे फूले अंबेडकर पेरियार ने बहुत मुश्किल से यहां तक पहुंचाया था और आज कुछ लोग उसे वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रस्तावना मेरे लिए केवल एक किताब का पन्ना नहीं है, वो आइडिया ऑफ इंडिया है, एक ऐसा आइडिया ऑफ इंडिया जिसमें सबको बराबरी का हक मिले। अभी विचार पुष्प के जरिए एक वाक्य बोला गया जो मेरे प्रिय वाक्यों में से एक है, जैसे पोडियम के सामने भी लिखा हुआ है, और इसी बात को बाबा साहब ने जाने कितनी बार, जाने कितने तरीके से कहा कि अगर मेरे हित और देश के हित में चुनना होगा तो मैं देश का हित सबसे पहले चुनूंगा, और अगर मेरे समाज के हित और देश के हित में टकराहट होगी तो मैं अपने समाज के हित को वरीयता दूंगा। यह है बाबा साहब की संकल्पना। और इसलिए हम कह रहे हैं कि राष्ट्र का अर्थ केवल भौगोलिक नक्शे पर खींच दी गई लकीरों के बीच का भूगोल नहीं है, राष्ट्र वहां के लोगों से बनता है। और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि हम सबसे पहले और आखिर में भारतीय हैं, क्योंकि हम इस भारत को सबका भारत बनाना चाहते हैं। और इसलिए बाबा साहब ने यह बात कही, और यह मेरा बहुत प्रिय वाक्य जो अभी बोला गया कि अगर मरने के बाद जीना चाहते हो तो लिखने लायक कुछ पढ़ लो या पढ़ने लायक कुछ लिख जाओ, कर जाओ। मैं ये बात बहुत शिद्दत से याद करते हुए, बाबा साहब को याद करते हुए, बाबा साहब ने अपने तीन गुरु माने थे, और यहां से देखिए आइडिया ऑफ इंडिया के सिंबल्स क्या क्या हैं। हम भारतीय लोग जिस चीज को सबसे ज्यादा जीते हैं उसी को मानने से गुरेज करते हैं। जैसे जाति व्यवस्था इस देश की ऐसी बीमारी है कि भारत छोड़िए, विदेश में जब इन भारतीयों को जाने का मौका मिला तो दो चीज ले जाना नहीं बोले, यहां का बना हुआ अचार और यहां की बनी हुई जाति व्यवस्था। और आप खबरों को पढ़ें, विदेश के कई देश अब अपने यहां जाति व्यवस्था के खात्मे के लिए कानून बना रहे हैं कि अगर आप यहां हमारे देश में आकर जातिवाद करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। हमारे यहां अभी ऐसा कोई कानून नहीं बना है। हमारे यहां तो विडंबना और विरोधाभास यह है कि वो लोग जो अपने दिल में गोडसे गोलवलकर हेडगवार को रखते हैं वो भी 14 अप्रैल को बिरसा फुले अंबेडकर को याद करते हुए बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल और माला पहनाते हैं। ये कैसे संभव है भाई, दोनों एक साथ कैसे चलता है? बाबा साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, यहां से एक इशारा कर रहा हूं, और इतनी बड़ी चेतावनी डॉक्टर अंबेडकर ने किसी दूसरी बात के लिए नहीं दी थी, और यहां से मैं अपनी बात शुरू करना अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है
तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कह ले, हिंदू धर्म स्वतंत्रता समानता और बंधुता विरोधी है, ये लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है, इसलिए किसी भी कीमत पर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए। इतनी सख्त चेतावनी डॉक्टर अंबेडकर ने किसी दूसरी चीज के लिए नहीं देते। और मैं नागपुर में खड़े होकर 2023 में डॉक्टर अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाने वाले लोगों के सामने ऐसे इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि मैं ये बात दावे से कह रहा हूं कि हमारे पुरखे अपने हुनर अपने काबिलियत में दूरदर्शी इतने थे कि उन्हें यह बात अंदाजा पूरी तरह से था कि आप कितना भी अच्छा संविधान का प्रस्तावना लिख लीजिए कि हर व्यक्ति को अपने विचार को मानने की आजादी होगी, उन्हें अपना उपासना पद्धति से लेकर के धर्म के प्रचार और सबकी आजादी होगी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंबेडकर को यह पूरा अंदेशा था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब ये लोग कुछ लोग संविधान को खत्म करके इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे। नागपुर के लोगों दिल पर हाथ रख के पूछिए कि क्या आज ये कोशिश सामने हमारे दिख नहीं रही। इस देश के बड़े बड़े कुर्सियों पर जिनको हमने बिठाया, झूठ बोलने वाले लोग सत्ता की कुर्सियों पर बैठकर पूरे आत्मविश्वास से इतना तेज से सच बोलते हैं गोया वही झूठ ही इस दौर का सच हो। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और उसी समय इसी देश में रोहित विमला से लेकर पायल तड़वी और अभी हाल ही में आईआईटी में पढ़ने वाला एक छात्र दर्शन सोलंकी को सांस्थानिक हत्या का शिकार होना पड़ा। यह कैसा सबका साथ और सबका विश्वास है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाला मुल्क, हर घर तिरंगा हर हाथ तिरंगा इसकी बात करने वाला देश, आज भी मटका पानी का छू लेने पर एक बच्चे की हत्या नहीं रोक पाया क्योंकि उसकी जाति दलित थे। इस देश में आज भी सांस्थानिक हत्या जाति देखकर होती है। और तब मैं डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हुए उस चेतावनी को इसलिए दोहरा रहा हूं और नागपुर से यह बात पूरे देश में जानी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने का अर्थ कतई नहीं कि हम केवल और केवल इस बात को याद करें कि हमारे पुरखे कितने शानदार शख्सियत के धनी थे। अरे वो थे, और वो पहली कैटेगरी के लोग थे जिन्होंने इतिहास लिखा है। फिर भी आज से अगर हम डॉक्टर अंबेडकर को जोड़कर नहीं देखते और आज की चुनौतियों से जोड़कर नहीं देखते तो भाई ये जय भीम तो वो लोग भी बोल रहे हैं जोर से जो दिल में जय श्री राम बोलते हैं, और ये दोनों नारों का गठजोड़ क्या संभव है क्या। इसलिए मैं इस चुनौती से आपको रूबरू कराने आया हूं। बुलडोजर के दौर में मेरे अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैनी बाबू आज भी जेल में है। एक बार पता करिए वो क्यों जेल में है। प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े अभी जेल से रिहा हुए, पूछिएगा बाबा साहब की अपनी रिश्तेदारी में आने वाले प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े को जेल में किसने भेजा और क्यों भेजा था। गौतम नौलखा वरबर राव वहां से होते हुए भीमा कोरेगांव के 100 साल पूरे होने पर जिन लोगों ने वहां पर सम्मेलन किया उनको दंगाई बताकर आज भी जेल में रखा गया है, वो बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं है क्या। इसी देश में आज भी क्रांतिकारी इस्तकबाल और इंकलाब जिंदाबाद का नारा बोलने के जुर्म में हमारा अपना दोस्त उमर खालिद 3 साल से ज्यादा हो गया जेल में है। पूरे देश की जेलें आज भी 90% इस मुल्क के एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों से भरी हुई हैं, जिनमें 75% लोग तो अंडर ट्रायल है। फिर किस बात की डेमोक्रेसी है। क्या इसी भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था। और अगर हम इन सवालों पर बात नहीं कर रहे तो मुझे लगता है कि यह जयंती मनाना अधूरी है, क्योंकि उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, जयंतियां तो उन लोगों की मनती रहेंगी। भाई मैं तो एक बात बहुत शिद्दत से याद करता हूं, मेरा घर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में है, दिल्ली इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, और पूरे देश में घूम घूम करके
बिरसा फूले अंबेडकर पेरियार भगत सिंह की बात करता हूं, आइडिया ऑफ इंडिया की बात करता हूं, तब मुझे महसूस होता है कि एक ऐसे ही भारत की कल्पना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखी थी, जिसमें हम सब मिलकर के एक विचार पर एक इंडिया बनाने का ख्वाब देखेंगे। और यह है आइडिया ऑफ इंडिया मेरे लिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं हम उन्हें याद करेंगे, मगर वैसे नहीं याद करेंगे जैसे आजादी के बाद लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को याद किया। पहली कोशिश डॉक्टर अंबेडकर को मिटा दिया जाए, और यह भी कड़वी बात है, 1980 तक इस देश में डॉक्टर अंबेडकर का कंप्लीट रिटन वर्क पब्लिश नहीं हुआ था। एहसान फरामोशी सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है, और यह केवल उन्होंने नहीं किया भाई। यहां पर जब महात्मा फूले स्कूल खोलने के लिए घर से निकाले जाते हैं, तो महात्मा फूले के खिलाफ कौन लोग खड़े थे कि यह आपका बेटा, गोविंद राव को भड़का रहे कि आपका बेटा धर्म के खिलाफ काम कर रहा है। यह कौन सा धर्म था जो शूद्र बच्चों और महिलाओं को शिक्षा देने से अपवित्र हो जाता था? और कौन लोग थे जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले पर पत्थर फेंके जब वो स्कूल पढ़ाने जाया करती थी? और नई पीढ़ी को ये इतिहास, देखिए माफी के साथ कह रहा हूं, नई पीढ़ी के लोगों को ये इतिहास सब भुला दिया जा रहा है। अब उनसे ये कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारा धर्म खतरे में, तुम्हारा मंदिर मस्जिद खतरे में, उसके लिए लड़ाई लड़ने चलो। और इसलिए इस इतिहास को बार बार याद किए जाने की जरूरत है। ये महाराष्ट्र की जमीन अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन है, तो उस इतिहास को भी इस मुल्क को बार बार पढ़ाने की जरूरत है कि इनका राज तिलक करने से क्यों मना किया गया था, किसने कहा था कि ये गैर ब्राह्मण है इसलिए इनका राज तिलक नहीं होने देंगे। और आज वही लोग भगवा लिबास में लपेट कर अपना आइकॉन मानते हैं, वो भगवा जो महात्मा बुद्ध के चीवर का रंग था, और आज उससे इस देश की बहुत बड़ी आबादी को डर लगता है। आपका इतिहास बदला जा रहा है, और दो काम किया जा रहा है, आपके बच्चों को आपका इतिहास जानने से रोका जा रहा है, और दूसरा आपका इतिहास बदला जा रहा है। और यह बात हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को बताएं कि सावित्रीबाई फूले पर पत्थर और गोबर फेंकने वाले वही लोग थे जो आज गाय गोबर गौमूत्र में विज्ञान ढूंढते हैं, इसलिए हमें यह बात साफ साफ करनी होगी। और जिन लोगों ने शिक्षा देने के नाम पर जलील किया हमारे पुरखों को, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए इसी जगह पर, फिर भी वो कारवां रुका नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज और शिवाजी का पंवाड़ा एक पुस्तक, और एक और पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए, शिवाजी कौन थे, उस पुस्तक को पढ़िए और घर घर पहुंचाइए कि शिवाजी का सबसे ज्यादा अपमान इस समय कौन कर रहा है। और तब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस महाराष्ट्र की एक और इतिहास को इस मुल्क को बताना चाहिए कि गले में मटका और पीठ पर झाड़ू अगर किसी जगह के लोगों का इतिहास से जुड़ा है, तो वो भी इसी महाराष्ट्र का इतिहास था। उस इतिहास को बदलने के लिए दीक्षा भूमि आज भी हिम्मत के साथ खड़ी है कि हमने वो इतिहास बदला है और आज सबको बराबरी का इतिहास में खड़ा कर दिया। और अगर हम अपने बच्चों को इतिहास का बोध नहीं करा पाए, तो इतिहास बदलने वाले आपके बच्चों को कह रहे हैं, गर्व से कहो तुम फला धर्म के हो जो खतरे में है। इसलिए हमें पुरखों को याद करने का मकसद यह है कि उन्होंने वो कौन सी लड़ाइयां लड़ी थीं जिनकी वजह से आप हम जैसे लोग यहां पर हिम्मत से खड़े हो सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने वो लड़ाई लड़ी थी। आज इस देश में प्रधानमंत्री अपने आप अपनी जाति बताते हैं, राष्ट्रपति बनाया जाता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी जाति बताई जाती है, कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं तो उनको बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर बताया जाता है कि हमने इतने दलित और इतने पिछड़े कैबिनेट मंत्री बना दिए। और वो ये काम वो लोग कर रहे हैं जो जाति को नहीं मानते। यही नागपुर के लोग कहते हैं, हम तो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक समरसता का अर्थ यह है कि जातियां बनी रहें, बस हम सारे लोग मिल करके साथ रहें, लेकिन आप अपनी जाति बनाए रखिए और वो अपनी जाति बनाए रखे, ताकि जब इंटरव्यू लेने कोई व्यक्ति बैठे तो सामने वाले की जाति देख करके उसका नंबर काट दे, ये नए द्रोणाचारी पैदा हो जाते हैं। और जाति बनी रहेगी तो जाति के नाम पर भेदभाव बना रहेगा,
लेकिन जाति बनी रहे और सब लोग एक साथ रहें, यह है आरएसएस का सामाजिक समरसता का सिद्धांत। और जाति खत्म हो ताकि इंसान इंसान बराबर हो, यह है फूले अंबेडकर और पेरियार का सिद्धांत। इसलिए हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और ऐसे वक्त में हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं कि इस समय सबसे ज्यादा जातिवाद कर कौन रहा है और कैसे उनके सपनों का भारत बनने से रोका जा रहा है। लेकिन हम उन्हें याद करेंगे तो दोनों अर्थों में याद करेंगे। कबीर साहब का एक दोहा है जो मुझे बहुत प्रिय है। मैं देखिए हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं, हालांकि अभी ठेके पर प्रोफेसर हूं और SBI के कार्यक्रम में आया हूं। बैंक एक समय था जब इस मुल्क में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना गर्व की बात होती थी, आज बैंकों का निजीकरण कर देना गर्व की बात हो रही है। पूरे देश में चीजों को बेचा जा रहा है। भाई हो सकता है कि SBI का नंबर थोड़ा बाद में आएगा, लेकिन नंबर तो सबका आएगा। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर। और साफ तौर पर यह बात कही जा रही है, क्योंकि हमें टुकड़ों में बांटा गया। और इसलिए मैं जब अपने पुरखे डॉक्टर अंबेडकर को याद करता हूं तो आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर को पहले मिटाने की कोशिश की गई। 1980 तक उनकी कंप्लीट राइटिंग नहीं थी। पहली बार 1980 में सारे वॉल्यूम छप कर आए, 1990 में भारत रत्न मिला, क्योंकि कोशिश की गई थी कि डॉक्टर अंबेडकर को हम गायब कर दें। लेकिन वो क्या है ना कि कुछ बीज ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें बंजर जमीन पर भी फेंक दिया जाए तो एक दिन जमीन का सीना चीर कर इंसानियत की फसल लहलाने के लिए खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर B.R. अंबेडकर उस बीज का नाम था। और जब वो नहीं रोक पाए डॉक्टर अंबेडकर को आइडिया ऑफ इंडिया का एक सबसे बड़ा आइकॉन बनने से, तो दूसरी साजिश डॉक्टर अंबेडकर के साथ ही की गई कि उन्हें दलितों का नेता बता दिया जाए। और तब मैं आपके सामने कह रहा हूं डॉक्टर अंबेडकर क्या है मेरे लिए। डॉक्टर अंबेडकर गुरूर का अर्थ है अंबेडकर, गर्व का अर्थ है अंबेडकर। क्यों? क्योंकि तर्क, विवेक और वैज्ञानिकता का नाम है अंबेडकर। इंसान को इंसान से मिलाने वाले दर्शन का शिल्पकार है अंबेडकर। और दलितों का नेता, ट्रेड यूनियन बनाने का काम जब हुआ तो मजदूरों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए वेतन भत्ता पे ग्रेड ग्रेच्युटी देने वाले एक इकोनॉमिस्ट का नाम है डॉक्टर अंबेडकर। द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपी से लेकर के तमाम अपने रिसर्च के ऐसे पेपर रखे गए जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुई, इसलिए एक इकोनॉमिस्ट का नाम मेरे लिए है डॉक्टर अंबेडकर। महिलाओं के चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव, काम के घंटे निर्धारित करना, श्रम का उचित मूल्य देना और महिलाओं को इस बात के लिए कहना कि मैं किसी भी मुल्क की तरक्की वहां की महिलाओं की तरक्की से नापता हूं, इसलिए एक फेमिनिस्ट मूवमेंट करने वाले आइकॉन का नाम है डॉक्टर अंबेडकर। 5-5 अखबार निकालने वाले, प्रबुद्ध भारत, समता और जनता से लेकर के बहिष्कार, तमाम तरह के अखबार निकालकर ये बात कहने वाले कि अछूतों का अपना कोई अखबार नहीं होता और जिनकी पीढ़ियां बोलने नहीं वाली होती हैं उनकी आने वाली नस्लें गूंगी पैदा होती हैं, इसलिए एक पत्रकार का नाम है डॉक्टर अंबेडकर, उन्हें आप दलितों का नेता बता रहे थे। उस बात को अगर आगे बढ़ाएं, सोशल रिफॉर्मर अंबेडकर। कुछ लोग थे इसी महाराष्ट्र के इतिहास में जो उसी दौर में कह रहे थे ये तेली तंबोली संसद चुनाव लड़ करके क्या हल चलाने जाएंगे। आप नाम जान गए कि नहीं उनका? भाई मैं नाम नहीं बोलूंगा, क्योंकि जिस जगह, जिस मंच पर फूले अंबेडकर, पेरियार, शिवाजी का नाम लिया जा रहा हो, वहां बाकी किसी की हैसियत में ऐसी नहीं समझता कि ऐसे मंच से उनका नाम भी लिया जाए, लेकिन मैं इशारे में बताऊंगा जरूर। और फूले साहब ने उनको चिट्ठी लिखी थी, उन लोगों को, एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर, आज भी जनरल नॉलेज के किताब में पढ़ाए जाते हैं।
और उन्होंने कहा कि विधवा विवाह होना चाहिए, और घर में अगर एक विधवा हो गई तो उन्होंने विवाह करने से मना कर दिया। फूले साहब ने चिट्ठी लिखी कि तुम लोग किस बात के समाज सुधारक बने फिरते हो, तुम अपने घर में जब उसे लागू नहीं करते। और इसलिए इसी महाराष्ट्र के लोगों में से एक लोग थे जिन्होंने जाति देख करके और तमाम चीजों को देख करके उनके मूवमेंट के ऊपर हमला किया, और इसलिए बाबा साहब ने ये बात लिखी है। बाकी सारे सुधारक परिवार सुधारक थे, केवल एक समाज सुधारक थे ज्योतिराव गोविंदराव फूले, वो असल मायने में समाज सुधारक थे। सिलेबस में फूले कहाँ हैं? और आज भी सिलेबस में फूले कायदे से शामिल नहीं है, और इसलिए सोशल रिफॉर्मर डॉक्टर अंबेडकर को मैं याद करता हूं। साफ तौर पर उन्होंने कहा जब तक जाति रहेगी जाति के नाम पर शोषण रहेगा, इसलिए उन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया की बात की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के जरिए। और तब मैं आगे बढ़ करके कहता हूं किसानों के लिए, किसानों की बात, एक किस्सा बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बार 1980 से 88 के बीच का दौर है, सत्यशोधक समाज अपना काम कर रहा है। महात्मा फूले, एक बार अंग्रेजों का एक दल आया हुआ है कि किसानों की कैसी स्थिति है इसके बारे में पड़ताल की जाए, और ज्योतिबा फूले एकदम फटा पुराना कपड़ा और एक बेहद खराब सा कंबल लेकर के कंधे पर उस कमीशन के सामने दस्तक देते हैं। दरबान रोक देता है कि भाई आप कहां चले आ रहे हो, ये बड़े लोगों की मीटिंग हो रही है। तुरंत दूसरे जो आयोजक थे वो दौड़ के आए, कहे पहचान नहीं रहे, ये ज्योतिबा फूले हैं, ये यहां के आमंत्रित लोग हैं और ये अपनी समस्या बताने आए हैं। और अंदर पहुंचकर ज्योतिबा फूले ने एक वाक्य बोला उस कमीशन के चेयरमैन से कि ये भरे पेट वाले और अच्छे लिबास में सजे धजे लोग अपने भाषणों से ये नहीं बता सकते कि इस मुल्क में किसानों की स्थिति क्या है। आप ये जान सकें कि इस मुल्क का किसान खाली पेट फटे हाल कितनी बुरी स्थिति में रह रहा है, इसलिए मैं ये लिबास पहनकर आपके सामने भारत के किसानों की समस्या कहने आया। और इसलिए मैं महाराष्ट्र को याद कर रहा हूं कि जिस दौर में हमारे उत्तर भारत में बुलडोजर चल रहा है, वहां आपके महाराष्ट्र में सोशल मूवमेंट चलता है, चाहे वो बाबा साहब को याद करने का, चाहे वो लाखों लोगों के किसानों का आंदोलन करने का। मैं उन दोनों की नजर से आज बाबा साहब को देख रहा हूं कि बाबा साहब ने किसानों की मुक्ति के लिए कितनी बड़ी बातें कही, उस पर विस्तार से पढ़ना चाहिए इस देश को। लेकिन किसान आंदोलनों में बहुत वक्त लगा कि बाबा साहब को वो अपना आइकॉन माने। एजुकेशनिस्ट अंबेडकर, बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां खड़े होकर डॉक्टर अंबेडकर ने एक अपना पूरा भाषण दिया है जो उनके टोटल वॉल्यूम में प्रकाशित है कि अगर इस देश की सरकार 100 रुपए इस देश की जनता से वसूलती है तो उसका आधे से ज्यादा हिस्सा इस मुल्क की शिक्षा पर खर्च करना चाहिए, और शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, और आप बच्चों की फीस लेकर के उन्हें शिक्षा से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा की बात करने वाले अंबेडकर ने एक ऐसे आइडिया ऑफ इंडिया का ख्वाब देखा था जहां आप किसी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनते तो उनकी जिम्मेदारी सौंपते कि आप नए स्कूल, नए कॉलेज और नए विश्वविद्यालय बनाएंगे। 2023 के इंडिया में पुराने खुले हुए स्कूल कॉलेज को क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत बंद करने को न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहा गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा गया है, और उसमें पॉलिसी में ड्राफ्ट नहीं अब तो इंप्लीमेंट हो गया है, 45,000 सरकारी डिग्री कॉलेज जो भारत में हैं अगले 20 साल में क्लोजर और मर्जर के तहत उनको बंद करके 15,000 डिग्री कॉलेज तक पहुंचा देना है। ये आइडिया ऑफ इंडिया क्या अंबेडकर के सपनों का भारत बनाया जा रहा है? सरकारी शिक्षा को बर्बाद कर दिया। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक ठेके पर प्रोफेसर आपको एक और बात कह के जा रहा हूं, 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड पर पढ़ाया जाएगा। दावा करेंगे कि हम विश्व गुरु बनेंगे और गुरु को ही ठेके पर रख दिया है। मैंने किताब लिखी है, सही वक्त आने पर उसे प्रकाशित करूंगा, और उसका नाम यह ठेके पर प्रोफेसर। जो लोग चुन करके 5 साल के लिए एक किराए की कुर्सी पर बैठ रहे हैं वो ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं कि आपके बच्चों का भविष्य हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अगर हम ये बात नहीं कर रहे तो हम अंबेडकर के सपनों के भारत में कोई योगदान नहीं दे रहे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी
इस देश में सरकारी शिक्षा को पूरी तरह बर्बाद कर चुके हैं, और वो एजुकेशनिस्ट अंबेडकर के सपनों का भारत तो कतई नहीं। और इसलिए मैं अंबेडकर के सपनों के भारत को याद करते हुए साफ तौर पर कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, बैंक और बैंक वाले लोग इस बात को जानते होंगे, शिक्षा, बैंक, अस्पताल, सरकारी निगम और तमाम बड़े उद्योग राज्य के नियंत्रण में होने चाहिए, सरकारी होने चाहिए। और सरकार की यह जिम्मेदारी है, मिसाल के तौर पर मैं एक बात कहूं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि जिस देश में गरीबी और अमीरी के बीच में खाई इतनी बढ़ जाए कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट 2022 में कह रही है कि इस मुल्क के 1% लोगों के पास 40% संपत्ति का कब्जा हो गया और 50% लोग 3% संपत्ति पर गुजारा कर रहे हैं। अगर उसको एक्सटेंड कर दीजिए इस डेटा को, तो 100 लोगों में से 10 लोग हैं जो 90 रुपया कब्जा कर चुके हैं और 90 लोग हैं जो 10 रुपए में गुजारा कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं इस मंच से कि पहचान बताओ कि वो जो एक आदमी 40.5 रुपया कब्जा किया है, उसकी जाति, उसका धर्म, उसकी भाषा क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि वो जो 90 लोग 10 रुपए पर गुजारा करने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं, उनकी जाति, धर्म, भाषा क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हजारों साल से जो वंचित थे उन्हीं को आज भी आपने इस देश में इतना कमजोर बना दिया कि वो केवल अपने जिंदा रहने को ही अपने नागरिक होने का धर्म समझे। कहां गया वो अंबेडकर के सपनों का भारत जिसमें एजुकेशन स्टेट की जिम्मेदारी थी, और स्टेट एजुकेशन को बेच चुका है। खत्म हो जाएंगे 5-10 साल में DU, JNU, जामिया, और वहां पर कोई अशोका, गलगोटिया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी होगी जिसमें लाखों रुपए में डिग्रियां बेची जाएंगी और डिग्रियों पर व्यापार करना मुनाफा का उनका धंधा बन जाएगा। ये आइडिया ऑफ इंडिया क्या अंबेडकर के सपनों का भारत है? आपकी जेब में पैसा है तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। और फिर से मैं कह रहा हूं, फूले साहब से लेकर डॉक्टर अंबेडकर का बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली का वो भाषण जरूर पढ़ना चाहिए जिसमें डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, अगर आपने इस मुल्क को शिक्षित नहीं किया तो ये सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी कभी दूर नहीं होगी। और आपने शिक्षा बेच दी, बैंकों के लिए नेशनलाइजेशन की पॉलिसी डॉक्टर अंबेडकर की पॉलिसी है और वो कह रहे हैं कि बैंक बेच दे। एक बात, पुराने लोग बैठे हैं, हम लोग की पीढ़ी में अब एक बात आती है कि ये आखिरी टाइपराइटर अब बना है, अब इसके बाद टाइपराइटर बनाने की कंपनी बंद हो गई, ये आखिरी पोस्ट ऑफिस है जिसमें अब इसके बाद कोई पोस्ट ऑफिस नहीं बचेगी। कुछ दिन बाद ऐसा आएगा जब कहा जाएगा कि ये आखिरी सरकारी रेल है क्योंकि बाकी रेल अपने दोस्त को बेची जा चुकी है। उसके बाद आएगा, हो सकता है SBI वाले लोगों आपका नंबर आखिरी में आए कि ये आखिरी सरकारी बैंक है, अब इसके बाद कोई सरकारी बैंक नहीं बचेगा। हम कहीं ये ना हो जाएं कि हम कहें कि ये आखिरी सरकारी कर्मचारी हैं, अब इसके बाद बाकी सब कोई प्राइवेट हाथों में चले गए। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, दोनों बाहें फैलाकर नारा लगाया गया। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपया, अच्छे दिन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव, खूब नारा लगाया गया था ना। अगर अच्छी बुलेट ट्रेन अगर चल रही होती तो आपके कार्यक्रम के बाद मैं बुलेट ट्रेन पर बैठता और रात तक दिल्ली पहुंच जाता, अगले दिन छुट्टी नहीं लेनी पड़ती, मैं अपने विद्यालय में पढ़ा रहा होता। मगर मैं आते समय एक बुलेट ट्रेन देखा, वो बुलेट ट्रेन इस मुल्क के गांव गांव से चली, उसमें 2 करोड़ रुपए भी थे, रोजगार थे, 15 लाख का काला धन था, नोटबंदी के जो फायदे गिनाए गए थे उसकी फाइल रखी हुई थी, उसके बाद GST और आधार जो लागू किया उसका फाइल रखी हुई थी, अच्छे दिन थे, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव थे। और वो बुलेट ट्रेन आते आते नागपुर के किसी मुख्यालय में गुम हो गई। मैं उसे खोज रहा हूं कि वो बुलेट ट्रेन कहां चली गई। अगर वो बुलेट ट्रेन गायब हो गई तो मैं कह रहा हूं कि आपके साथ धोखा हो रहा है और नाम लिया जा रहा है
कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ना होते तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाता। एक चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री इसलिए बन गया क्योंकि इस देश में बाबा साहब का संविधान था, और जब वो चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री बन गया तो उसने उस संविधान की इतनी धज्जी उड़ा दी है कि अगली बार कोई चाय वाला अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दिला सकता। ये संविधान पर हमला है, बाबा साहब के साथ सबसे बड़ा अपमान है। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता नहीं थे। मैंने 5-7 ऐसे संदर्भ बिंदु बताए, उन सब में डॉक्टर अंबेडकर एक आइकॉन बन के खड़े थे। जैसे मिसाल के तौर पर ओबीसी कम्युनिटी को यह कहा जाता है कि वो डॉक्टर अंबेडकर तो उनके लिए क्या किए, डॉक्टर अंबेडकर ने उनके लिए कुछ नहीं किया। मैंने सोचा कि यह बात बताएं, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में 3 गुरु चुने थे, सीधे गुरु नहीं, वैचारिक गुरु। पहले गुरु तथागत बुद्ध, इस मुल्क और ही नहीं इस दुनिया को प्रज्ञाशील करुणा, सत्य और अहिंसा का, मोहब्बत और प्रेम का पाठ पढ़ाने वाली सबसे पहली मशाल अगर इंसानियत की कोई है तो वो तथागत बुद्ध हैं, जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पहला गुरु माना था। और वही वाले बुद्ध इस देश के प्रधानमंत्री जब अमेरिका में जाते हैं तो कहते हैं कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश से आए हुए हैं, और जब भारत लौटते हैं तो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छिड़े रहते हैं। वही वाले बुद्ध की मैं बात कर रहा हूं। और बुद्ध शेड्यूल कास्ट से नहीं आते थे, डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पहला गुरु माना था। और दूसरा गुरु डॉक्टर अंबेडकर ने माना कबीर साहब को, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोन राह न पाई। वो कबीर, दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजे जाए। साफ तौर पर इस मुल्क को ज्ञान और बराबरी की क्रांति की मशाल जलाने वाले लोगों में मैं सबसे ऊपर जिन लोगों में रखता हूं उनमें बुद्ध के बाद कबीर दूसरे व्यक्ति हैं। और कबीर उस तबके से नहीं आते थे जिससे अंबेडकर आते थे, फिर भी उन्होंने अपना गुरु बनाया। और आप कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के हैं, और वो मशाल इसलिए उन्होंने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहो आपना चलो हमारे साथ। डॉक्टर अंबेडकर घर फूंक करके बाहर निकले ताकि करोड़ों लोगों के घरों में खुशहाली आ सके। अपने बच्चे मर गए, पत्नी को चिट्ठी लिख करके माफी मांग रहे हैं कि मैं तुम्हारे मुताबिक तुम्हें अच्छा जीवन नहीं दे पाया, और अपनी पत्नी को लिख रहे कि अगर तुम न होती तो मैं 10 साल पहले नहीं गुजर गया होता। एक अच्छे पिता एक अच्छे पति नाकामयाब रहे डॉक्टर अंबेडकर ये बनने में, क्योंकि उन्होंने लाखों लाख लोगों के लिए आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इतना कुछ कर दिया, लेकिन उसके लिए अपने घर को त्यागना पड़ा। और इसलिए मुझे कबीर याद आ रहे हैं, जो घर जा रो अपना चलो हमारे साथ। और आज डॉक्टर अंबेडकर को याद करने वाले लोग, संविधान से जिन्हें नौकरी मिले, आरक्षण से जो नौकरी पाए, वही लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए जालिम तानाशाहों के सामने चुपचाप बैठे हैं और संविधान की हत्या होते देख रहे हैं। ये मैं अपनी भी आलोचना कर रहा हूं। अगर आपके सारे चीजें बिक रही हैं तो उसे बचाएगा कौन? और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, हमारे यहां तीसरे गुरु के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले को अपना गुरु चुना था। वही फूले जिन्होंने मोहब्बत और प्रेम के नाम पर सत्य शोधक समाज चलाया था, और उसके भी इतने साल हो गए। मैं आज अपने पुर के डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हुए एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जुल्म और तमाम चीजें एक साथ बढ़ती जा रही हैं। 2020 में जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी, हमारे देश का तानाशाह ताली बजवा रहा था, दीपावली मनवा रहा था,
दुनिया कोविड का टीका खोज रही थी। ये अलग बात है कि यहाँ जिन वैज्ञानिकों ने टीका खोजा उनका भी क्रेडिट वो लोग ले रहे हैं जिनकी अपनी डिग्री ही फेक है। डॉक्टर अंबेडकर 32 डिग्रियां लिए थे, चार चार पीएचडी किए थे, और इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति संविधान सभा के सामने कोई दूसरा नहीं था। इसलिए मैं दावे से कह रहा हूं कोई एहसान नहीं किया था डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाने के लिए। उनसे ज्यादा काबिल तो वहां दूसरा कोई था ही नहीं, इसलिए उन्हें हम संविधान का जनक कहते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए उसी संविधान में अनुच्छेद 51A जोड़ा है, 51A, और 51A कहता है कि यह मुल्क जब नया मुल्क बनेगा तो अपने नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना का विकास करेंगे। और आज आपके टीवी पर बैठकर कुछ बाबा किस्मत बता रहे हैं, आप लोग को पता है कि नहीं। मैं देखिए उत्तर भारत से आ रहा हूं, हमारे यहां बड़े बड़े बाबा हैं। महाराष्ट्र की जमीन तो वैसे ही सामाजिक आंदोलनों की जमीन। मिसाल के तौर पर हमारे यहां एक मध्य प्रदेश में बाबा है, उसने एक कथा में कहा कि जिस दिन आपका बच्चा एग्जाम देने जाए तो बेल पत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग पर लगा देना, आपका बेटा पास हो जाएगा। खबर छपी अखबार में, उसी कथावाचक का अपना बेटा 8वीं में 2 बार फेल हो गया। कौन से भारत में हम रह रहे हैं? कुछ दिन पहले दिखाया गया टीवी पर कि एक बाबा आपके बताने से पहले किस्मत आपके लिख दे रहा है, आपकी समस्या लिख दे रहा, और टीवी वाले बैठ करके कह रहे हैं कि चमत्कार हो गया। टीवी पर बैठकर चमत्कार की बात कर रहे हैं, वो टीवी जो सैटेलाइट से चलती है, जो विज्ञान की खोज है, और उस पर बैठकर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। महाराष्ट्र के लोगों, मुझे जहां तक याद है पुराने लोग बैठे हुए हैं, 1990 और 2000 के बीच एक बार गणेश की मूर्तियां दूध पीने लगी थी। आज क्या वो मूर्तियां अब नहीं दूध पीती? मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं जानता हूं कि मुझे जहां जाना है वहां मेरे ऊपर इतने मुकदमे हो सकते हैं, और कुछ तो हो चुके हैं। लेकिन बात यह है कि मुकदमे और जेल से, धमकी और हत्या से, गोंडीबा को हत्या करने के लिए ज्योतिबा फूले के घर भेजा गया था। ज्योतिबा फूले ने उनको बुलाकर पूछा जागने के बाद कि तुम मेरी हत्या करने क्यों आए हो? उस आदमी ने कहा कि अगर मैं आपकी हत्या कर लूंगा तो मुझे इतने रुपए मिल जाएंगे। ज्योतिबा फूले खड़े हो गए, कहे अच्छा इसका मतलब बहुत लाचार हो, तुम्हें अगर इससे इतना पैसा मिल जाएगा तो लो मेरी हत्या कर लो। वो आदमी वहीं अस्त्र शस्त्र रख देता है और उनका सबसे प्रिय शिष्य बन जाता है। तो हत्या करने की कोशिश तो उनकी भी की गई, जेल मुकदमे। और भारत में आजादी के बाद अंग्रेजों के साथ जोड़ करके सबसे ज्यादा अपमान जिन लोगों को, बौद्धिक लोगों ने किया। मैं जिस दिल्ली से बैठ के आया हूं वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत दिल वाले लोग रहते हैं, वहां आज भी अंबेडकर की तस्वीरें किन लोगों के घरों में हैं यह बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। अंबेडकर क्या सबके नायक बन पाए क्या? मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं कि 14 अप्रैल को जयंती मनाने वाले संगठन पता लगा लीजिए कि कौन कौन से थे। वो सारे संगठन SC ST OBC माइनॉरिटी के संगठन थे, या तो सरकारी कर्मचारी मजबूरी मनाते हैं। हमने कबूल नहीं किया अंबेडकर को, आज भी उनके पुरखों को जबकि मौका मिला था तो उन्होंने मनुस्मृति लिखी थी जिसमें इंसान को इंसान से बांट दिया। हमारे पुरखे को मौका मिला तो उन्होंने अपने पुरखों पर किए गए अत्याचार का बदला नहीं लिया, संविधान में सबको बराबर की जगह दे दी। एक वोट एक व्यक्ति, एक व्यक्ति एक वोट की एक कीमत होगी। और फिर भी उन्हें अपनाने में आज भी ये भारत के लोग दिल बड़ा नहीं कर पाए। और दावे से कहता हूं कि आप अकेले में बैठकर अपने किसी भी ऐसे मित्र से जिसके जहन में मनुस्मृति है उससे पूछेगा कि अंबेडकर का मतलब क्या है, वो आपको समझाएगा। बहुत बुरे वक्त में हम जा रहे हैं। एक समय ऐसा आने वाला है कि वो ताकतें जो इसे नागपुर से निकल करके ये बात देश को समझा रही हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार थे, कल एक दिन ऐसा आएगा कि अंबेडकर को भी अवतार बना देंगे। क्योंकि देखो अब अंबेडकर फूले पेरियार को मिटा तो नहीं सकते, इसलिए अप्रोप्रिएट कर लेंगे, मूर्ति लगाएंगे वो, और आपका वोट लेके जाएंगे आपकी जाति के लोगों को आगे करके। आखिरी में कुछ बातें बस कह करके मैं एक बात कह के जा रहा हूं, सच कहना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर इसलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने अपने वक्त का सच कहने का जोखिम उठाया था। भले ही वो गोलमेज सम्मेलन हो, भले ही यहां की कोई सम्मेलन हो, आमने सामने बैठ करके साफ तौर पर कहते थे कि आप जो लड़ाई लड़ रहे वो हमारे लोगों की मुक्ति के लिए नहीं लड़ रहे।
और इसलिए आज हमें अगर अंबेडकर की बात करनी है तो हमें अपने वक्त का सच कहना होगा कि आज का राजा जालिम है, तानाशाह है। एक कहानी शायद आप लोगों ने सुनी होगी, एक राजा बहुत तानाशाह था, वो उसके उसके डर से उसके राज्य में कोई नहीं बोलता था और उसके जितने दरबारी थे वो चापलूस थे। राजा कुछ भी कहे सब जी हां जी हां। वो जैसे एक किस्सा है ना बीरबल अकबर बीरबल का, कि बीरबल को बुलाकर अकबर ने कहा कि बैगन बड़ा भला है, तो बीरबल ने कहा हां सरकार सिर पर ताज धरा है। थोड़ी देर बाद स्विंग हुआ मूड, अकबर बुला के बीरबल से कहते हैं बीरबल बैगन बड़ा बुरा है। बीरबल तुरंत छूटते ही बोला बिल्कुल सरकार बेगुन नाम पड़ा है। अकबर ने बीरबल से कहा बीरबल तुम्हारा कोई अपना स्टैंड है कि नहीं? मैं कह रहा हूं भला है तो तू कह रहा है भला है, मैं कह रहा हूं बुरा है तो तू उसको भी कह रहा है बुरा है। बीरबल पलट के बोलता है सरकार मैं बैगन की नौकरी थोड़े ही करता हूं। चापलूसी का यह आलम होता है। और उस कहानी को मैं आज के दौर में जरूर कहना चाहता हूं कि उस राजा के आतंक से चापलूस दरबारी कुछ नहीं बोलते थे और पूरे दरबार में लोग उसकी वाहवाही करते थे। एक बार एक व्यापारी आया, उसने कहा कि सरकार एक ये मैं कारीगर लेके आया हूं, ये एक ऐसा कपड़ा सोने और चांदी के तार से बनाता है कि वो उसे ही दिखता है जो दिल से ईमानदार हो और सच्चा हो। राजा ने कहा यह कपड़ा मैं पहनूंगा तुम बनवाओ। महीनों की तैयारियां हुई, कपड़ा बनना शुरू हुआ, पूरे राज्य में चर्चा हो गई, राजा के लिए एक ऐसा कपड़ा बनाया जा रहा है जो उसे ही दिखाई देगा जो दिल से ईमानदार और सच्चा होगा। राजा भी उत्सुक था, बीच बीच में जाके कहता था देखो कपड़ा कितना तैयार हुआ। कारीगर बोलता था बहुत मेहनत से बन रहा है, रुकिए थोड़ा और वक्त लगेगा। कुछ दिन बाद कपड़ा तैयार हुआ, राजा वो कपड़ा पहना और पूरे शहर में घूमने निकल गया। सारे लोग जाकर कहते थे कि राजा का कपड़ा कितना अच्छा लग रहा है, राजा का कपड़ा कितना प्यारा है, राजा का इतना शानदार कपड़ा पहना हुआ है। लेकिन असल में वो कोई कपड़ा ही नहीं था, वो अदृश्य कपड़ा था। और पूरे राज्य में राजा ऐसे ही घूमते चला गया, क्योंकि राज्य को ही उसने चापलूसों का अड्डा बना रखा था। वो तानाशाह जिसके खिलाफ कोई सच नहीं बोल सकता था, अपने राज्य के दरबार के आखिरी छोर पर पहुंचता है। एक छोटा सा बच्चा उस राजा को देखकर चीख पड़ता है ये राजा तो नंगा जा रहा है। वो अकेला बच्चा सच बोला, क्योंकि बाकी लोग या तो चापलूस बन गए थे या उसके जुल्म से तानाशाह से डर गए थे, और राजा नंगा है ये बात कहने वाला एक छोटा सा बच्चा था। डॉक्टर अंबेडकर आज अगर होते तो कौन सी लड़ाई लड़ रहे होते? मेरे लिए अंबेडकर को याद करने का अर्थ यहां से, आज अगर डॉक्टर अंबेडकर होते तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत इस देश के सरकारी शिक्षक सरकारी कर्मचारी सरकारी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय को प्राइवेट हाथों में बेचे जाने के खिलाफ आंदोलन में सबसे आगे खड़े होते। आज अगर डॉक्टर अंबेडकर होते तो कोविड के समय जो 3 कानून पास हुए थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद किसानों के 3 कानून और श्रमिकों के 3 कानून, इस देश के ट्रेड यूनियन को तो बर्बाद कर दिया गया, श्रमिक अपना कानून नहीं बचा पाए भाई इस देश में। आज अगर श्रमिक 100 लोग इकट्ठे हो जाएं तो व्यापारी के पास ये मौका है कि वो उन श्रमिकों को नौकरी से निकाल सकता है, आप ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते। और एक जमाने में इसी महाराष्ट्र में इतनी बड़ी ट्रेड यूनियन हुआ करती थी कि ट्रेड यूनियन के आंदोलन बड़ी बड़ी सरकारों के तख्ते पलट देते थे। ट्रेड यूनियन खत्म हो गया, और ट्रेड यूनियन की वकालत करने वाले फूले और अंबेडकर दोनों थे। क्या ये अंबेडकर के सपनों का भारत बन रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं कोविड की आड़ में श्रमिक कानूनों में संशोधन हुआ है, कोविड की आड़ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बदल दी गई है, और कोविड की आड़ में 3 कृषक कानून पास कर दिए गए। एक ऐसा डॉक्टर इस देश में बैठा हुआ है जो मरीज को केवल भाषण पिला रहा है कि हम तुम्हारा इलाज कर रहे हैं, किसानों ये कानून तुम्हारे हित में हम लाए हैं, विद्यार्थी और शिक्षकों नई शिक्षा नीति तुम्हारे हित में हम ले आए हैं, और तमाम लोग ये शिक्षा नीति हम तुम्हारे मजदूरों के हित में लाए। यानी जिसका फायदा किया जा रहा है उसी को समझाया जा रहा है कि भले तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है लेकिन मैं भाषण और हर रविवार मन की बात सुना रहा हूं, इससे तुम महसूस करो कि तुम बीमारी से ठीक हो रहे हो और आपकी बीमारी बढ़ती जा रही है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को याद करना मेरे लिए ऐसे व्यक्ति को याद करना है
जिसने इस मुल्क में आइडिया ऑफ इंडिया का ख्वाब देखा था। कबीर साहब ने लिखा है, कबीरा कहे ये जग अंधा। किसके लिए कहा था? हम पढ़े लिखे लोग हैं। और मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं साथियों, आज की डेट में जिसके हाथ में कलम नहीं, किताब नहीं, दिन भर 90% असंगठित क्षेत्र के लोग जो दिन भर अगर मेहनत न करें तो शाम को उनके घर चूल्हा नहीं जलता, उनको अंबेडकर का पढ़ने का मौका कहां है? उनको यह बात कैसे पता होगी कि भारत का संविधान कैसे बर्बाद किया जा रहा है, कैसे इस देश में दंगा, सांप्रदायिक मंदिर मस्जिद की लड़ाई के नाम पर शिक्षा रोजगार बर्बाद किया जा रहा है? फिर जिम्मेदारी किसकी है जिसके हाथ में कलम और किताब है? फिर जिम्मेदारी किसकी है जिसने भारत के संविधान का लाभ लिया है? फिर जिम्मेदारी किसकी है जिसे पता है कि गलत हो रहा है? और अगर हमें पता है कि गलत हो रहा है फिर भी हम अगर चुपचाप सब होता हुआ देख रहे हैं तो माफ करिए, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभा रहे। आपने हमें बुलाया, इतने बड़े होटल में ठहराया, इतना पैसा खर्च किया, ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत है, क्योंकि कुछ साल पहले यहां ऐसे लोग का ऐसे कार्यक्रम में नहीं कर पाते रहे होंगे, आज वो कार्यक्रम हो रहे हैं। और बाबा साहब की जयंती, और एक और बात कह दूं, नागपुर में हूं तो कुछ जोखिम और उठा लेता हूं, कुछ दिन पहले इसी देश में धार्मिक नाम पर रैलियां निकाली गई थी और उत्तर प्रदेश और बिहार में धर्म की रैली में तलवार और त्रिशूल लहराते हुए दंगा कराया गया, कर्फ्यू लगा और कई लोगों की हत्या हो गई, चंद हजार लोग सड़कों पर थे। 14 अप्रैल को इस देश ने दुनिया में करोड़ों लोग सड़कों पर उतरकर शोभा यात्रा और रैली किए, अखबार में कहीं खबर छपी हो कि अंबेडकर जयंती के दिन एक चींटी भी आहत हो गई हो तो मुझे दिखा दीजिएगा। यह फर्क है दोनों विचारधाराओं में। और आज इस देश में धर्म संसद के नाम पर आपके सामने कहा जा रहा है, हिंदुओं तुम खतरे में हो, चाकू तेज करो, तलवार तेज करके अपने घर में रखो। आपके यहां और दक्षिण भारत में कई नेता ऐसे बयान देते हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होता, और हम आपसे कहने आए हैं कि चाकू तलवार छोड़ो, हमारे पुरखों के हाथ में कुदाल फावड़ा था, हल की मूठ थी, चमड़ा उतारने वाला हथियार था, खेती किसानी थी, हजारों हजार साल तक उन्होंने वही सब किया, तब जाकर कोई फूले अंबेडकर पेरियार हुआ। हमारे हाथ से कुदाल फावड़ा हटा, कलम और किताब आई। मैं आपसे कहने आया हूं, ये चाकू तेज करने वालों को चाकू तेज करने दीजिए, इस देश के 90% घरों में कलम तेज करके पहुंचा दीजिए, आइडिया ऑफ इंडिया बन जाएगा, अंबेडकर के सपनों का भारत बन जाएगा। हमारी लड़ाई कलम और किताब की लड़ाई है। डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी, भगत सिंह, इन सब में से किसी के हाथ में कोई हथियार इस तरह नहीं था। भगत सिंह से पूछा गया कि आपने बम क्यों फोड़ा, उन्होंने कहा बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। और हमारे लोगों ने कलम और किताब से हमारी आने वाली पीढ़ियों का मुस्तकबिल लिख दिया है। माफी के साथ कह रहा हूं, वो मुस्तकबिल अब बर्बाद किया जा रहा है। मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं जानता हूं कि पूना पैक्ट कराने वाले डॉक्टर अंबेडकर के सामने जब गांधी अनशन पर बैठ गए, डॉक्टर अंबेडकर रोए थे, हमारे लोगों का अधिकार छिन गया। गांधी ने भरोसा दिलाया, हम रिजर्वेशन दे देंगे, आपके लोग संसद और विधानसभाओं में जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यह कोई बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे लिए नहीं है। फिर यह बात कब समझ में आई, बहुत सालों बाद, जब डॉक्टर अंबेडकर का एक वारिस इसी महाराष्ट्र में नौकरी कर रहा था, नौकरी छोड़ करके उत्तर भारत में सामाजिक आंदोलन करता है और जीवन में एक ही किताब लिखता है, चमचा युग, तब उन्होंने कहा 1932 के बाद इस देश में केवल चमचे पैदा हुए, कांशीराम। और उन कांशीराम ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, इस सभागार में नौजवानों की संख्या कम है, फिर भी जितने हैं मैं उनको एक वाक्य कह रहा हूं। कांशीराम साहब ने लिखा कि जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है उनकी सारी उम्र दलाली में गुजर जाती है। और आज जो सरकारें चल रही हैं उनमें सबसे ज्यादा सांसद, विधायक, मंत्री हमारे बीच के ही तो हैं, और हमारे ही बच्चों का सौदा होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री की कुर्सी बची रहे, करोड़ों रुपया जो वो कमा रहे हैं वो बचा रहे, कोई ईडी सीबीआई उनके घर न भेज दी जाए,
महाराष्ट्र के लोगों, अभी बहुत दिन नहीं बीता, पूरी की पूरी पार्टी तोड़ करके सरकार गिरा दी गई। कहां लोकतंत्र बचा है? जो बोलेगा वो मारा जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश में खुलेआम पुलिस की कस्टडी में गोली मारी जा रही है, और वहां पर एक 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 फकीर कबीर साहब ने एक दोहा लिखा है, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। और जब मैं जोगी कह रहा हूं तो इसका वास्ता किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से नहीं है, ये डिस्क्लेमर है। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मार मंदिर में बैठे ब्रह्म छोड़ पूजन लागे पथरा, और दढ़िया बढ़ाए और बरवा मुड़ाए और दढ़िया बढ़ाए जोगी हो गए ना बकरा, और मन नाम रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। ये कबीर साहब ने किसके लिए कहा था? एक वक्त आएगा जब लोग, हमारे यहाँ का एक गाना चलता है ना कि वो कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का कौआ मोती खाएगा। और आज आपके लोग अपनी नौकरी बचाने और तमाम चीजों को लेकर के अपने चीजों का सौदा कर रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें इस बात को सच तो बोलना होगा ना भाई, कि आखिर में वो सारी चीजें कौन लोग कर रहे हैं। और उस योगी की बात मैं क्यों कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाले के लिए जो विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर लाठी चलवाई गई, मुकदमा किया गया, और जो शिक्षा मांग रहा है उसको जेल डाला जा रहा है, और जो कांवड़ होने जा रहा है उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जा रही है। इसी दिन रात के लिए आपने इन्हें मुख्यमंत्री चुना या हमने चुना? और जिस जो जो लोग अब इस मुल्क का निजाम बन के बैठे उनकी तो बात ही क्या करना, डिग्री तक उनकी सच्ची नहीं है, उनकी बातों में कितनी सच्चाई होगी मुझे पता नहीं। और इसलिए मैं एक एक बात कह रहा हूं, ये लोग बहुत मेहनत करते हुए दिखते हैं। उनके भक्त कहते हैं कि अरे भाई प्रधानमंत्री जी 18-18 गांव घंटे काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। एक बार जंगल के जानवरों ने मिलकर बंदर को अपना राजा चुन लिया। मैं भाई साहित्य का विद्यार्थी हूं तो किस्सा कहानी सुना रहा हूं, इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। बंदरों को राजा चुन लिया, एक शिकारी आया एक पशु के बच्चे को उठा के लेके भाग गया। वो पशु आकर राजा के सामने कह रहा है कि भाई न्याय करो। कहा क्या हुआ? कहा कि बच्चे को वो उठा ले गया, आपने कहा था आपके राज्य में जुल्म नहीं होगा। बंदर इस डाल से उस डाल कूदना शुरू कर देता है। वो कहती है, वो लोमड़ी कहती है कि भाई मेरे बच्चे को बचाओ, तो बंदर कहता बिल्कुल रुको अभी मैं मेहनत करता हूं। फिर उस डाल से इस डाल से उस डाल, पूरा कंटिन्यू दौड़ता रहा। थोड़ी देर बाद वो लोमड़ी पूछती है कि अरे आप न्याय कैसे करोगे? कब बंदर बोलता है न्याय की बात छोड़ो, मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई हो तो बताओ। ये 18-18 घंटे जागने वाले लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आपके बच्चों को सुलाने के लिए उनका हक अधिकार बेच रहे हैं। केवल यही बात मैं कहने आया हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसे आइडिया ऑफ इंडिया का ख्वाब देखा था जिसमें किसी व्यक्ति की जेब में कितना पैसा है इससे तय नहीं होगा कि उसको शिक्षा मिलेगी कि नहीं, कौन सा व्यक्ति किस जाति का है इससे तय नहीं होगा कि वो IIT तक में पढ़ने चला जाएगा तो भी उसकी जाति के नाम पर दमन और अन्याय होगा। आप कह रहे हो कि हमने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इस जाति के लोगों को बना दिया, हम कहते हैं नहीं, जाति जनगणना कराओ ताकि हमको ये देखना है कि कितने DM कितने SP कितने ब्यूरोक्रेट कितने जो है अधिकारी कर्मचारी वकील इंजीनियर प्रोफेसर SC ST OBC समुदाय से बने। लेटरल एंट्री एक शब्द है, आप जानते होंगे पढ़े लिखे लोग हैं। लेटरल एंट्री का मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पर जो देश चलाते हैं वो लोग। हमारे यहां एक सोहर गाई जाती है भोजपुरी में कि हमारा बुझाता बबुआ GM हुई है। मैं उसको हिंदी में बता रहा हूं आपको, वो सोहर मतलब बच्चा पैदा होने पर खुशी में गाया जाता था, लड़का पैदा होने पर सोहर गाई गई, लड़कियों के पैदा होने पर कोई सोहर इस देश में नहीं गाई गई, क्योंकि लड़कियों को पैदा होने पर तो उनको गर्व ही नहीं होता था, महिलाओं और पुरुषों की गैर बराबरी इतनी। तो हमारे यहां सोहर में क्या गाया गया, हमारा जनाता बबुआ GM हुई है, ओहसे ऊपरा DM हुई है ना, बबुआ हिंद के सिपाही ई तो CM हुई है, ओहू से ऊपरा PM हुई है ना। इसका अर्थ केवल यह है
कि बच्चा पैदा हुआ तो अलग अलग लोग उसे देखने आ रहे हैं, तो कह रहे हैं इसका ललाट देखकर ये लग रहा है कि ये किसी SBI का GM होगा, नहीं भाई किसी जिले का DM होगा, तीसरा कह रहा है नहीं नहीं ये CM होगा, चौथा कह रहा है कि नहीं ये हिंद का विधाता PM बनेगा। मैं एक बात कहने आया हूं कि इस देश में संख्या में गिने जाते हैं कितने DM और PM और CM बनाए गए, और जिन्होंने DM PM CM बनाने का रास्ता भारत का संविधान बनाकर दिया, वैसे डॉक्टर अंबेडकर नंबरों में काउंट नहीं किए जाएंगे। वो अकेले थे, अकेले हैं, और जब तक इस मुल्क में जमहूरियत बची रहेगी डॉक्टर अंबेडकर अकेले ही रहेंगे। बाकी प्रधानमंत्री तक की कुर्सियां किराए की हैं। इसलिए मैं जाते जाते एक बात कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर अपने लोगों का शासन देखना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर ये बात संविधान सभा की आखिरी बैठक में किसके लिए लिख कर गए कि हमने राजनीतिक बराबरी तो दे दी, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार, लेकिन अगर इस देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं हुई तो यह संविधान कागज का पुलिंदा मात्र रह जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस देश का संविधान कुछ ही दिन बचे हैं केवल कागज का पुलिंदा मात्र रहने से, सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षा बेचने से आरक्षण अपने आप खत्म हो गया है, कहां आरक्षण बचा है। और लेटरल एंट्री के जरिए जो DM PM CM के नीचे DM बनते थे, जो देश चलाते हैं, 340 लोग पिछले 3 साल में लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए, उसमें एक भी SC और ST और OBC नहीं है। यह है मनुस्मृति का भारत, हमें भारत के संविधान का भारत चाहिए था, उन्होंने हमारे बच्चों का हक छीन लिया। और आज जाति जनगणना कराकर इस देश में क्यों नहीं यह बताया जाता कि कितने लोग इस देश में किन किन जगहों पर पहुंचे, कितने लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट के, महिलाओं के, माइनॉरिटी के सेक्शन के। क्या भारत का नक्शा एक भारत देश बन गया अगर हमने उसके नागरिकों को आजादी के 75 साल बाद भी बराबरी का हक नहीं दिया और हम अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाते हैं? यह तो अपमान है जो इस देश के बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोग हमारे लोगों का कर रहे हैं। इसलिए जंगल की लकड़ियों को यह समझाया गया कि कुल्हाड़ी में लगी हुई लकड़ी तुम्हारे ही बीच का तो है। जंगल की लकड़ियों ने कुल्हाड़ी का साथ दे दिया और एक दिन जंगल साफ हो गया। लोग ये समझ ही नहीं पाए कि हमारे और आपके जाति के लोगों को आगे करके हमारा वोट ले लिया गया। महाराष्ट्र फूले शाहू अंबेडकर की जमीन है, आपका मुख्यमंत्री आज तक क्यों नहीं बन पाया? मानवर कांशीराम क्यों नाराज होकर महाराष्ट्र गए, और जहां गए वहां मानवर कांशीराम की विरासत आज बुलडोजर के सामने डर कर चुपचाप बैठी है। एक RSS 2025 में 100 साल पूरा करने जा रहा है, वो एकजुट रहा और हम बिखरते चले गए। मैंने एक किस्सा पिछले दिनों सुनाया, जुल्म और ज्यादती बढ़ती जा रही है और तमाम तरह का अन्याय अत्याचार हो रहा है, मगर मैं जाते जाते निराश नहीं हूं। मैं जानता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जब थे तो अकेले थे ना, डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ तो उन्हीं की जाति के लोगों को खड़ा कर दिया गया था, पता है कि नहीं, आगरा में सम्मेलन कराया था और यह कहा कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे नेता नहीं है। मामूली साजिश इस देश में हुई, जुल्म और अन्याय अत्याचार क्या मामूली हुआ इस देश में? लेकिन हम भी कहते हैं कि लौटाएंगे वो सारा तुम्हें सूद के समेत, हम पर तुम्हारे जुल्म का जितना उधार है, ताकत तुम्हारे पास अगर है सितमगरों तो हमारे पास भी बिरसा फूले अंबेडकर और पेरियार है। हिसाब होगा और इस बात का हिसाब हम करेंगे कि जिन्हें सत्ता मिली उन्होंने शिक्षा क्यों बेची, रोजगार क्यों बेचा, दबन अन्याय अत्याचार हमारे लोगों पर क्यों होता चला जा रहा है और झूठ बोला जा रहा है। और इसलिए मैं जाते जाते एक बात कहकर के आप सबसे विदा लूंगा कि आपने ये जो जयंती मनाने का कार्यक्रम रखा है, इस जयंती के जरिए हम दो काम करते हैं। पुरखों का इतिहास बार बार इसलिए पढ़ाया जाता है कि जब भी हम कमजोर पढ़ें तो हिम्मत मिले कि पुरखे हमारे ऐसे थे, जब हमारे पुरखे उनके पुरखों से नहीं डरे तो हम इनकी लाठी गोली जेल से डरने वाले नहीं हैं। ये हिम्मत लेकर के हम वापस उस मिशन आंदोलन को आगे ले चलें।
मुझे लगता है कि इस तरह के जयंती के कार्यक्रमों का मकसद ये होना चाहिए। गांव गांव अगर हम नहीं गए और अगर लोगों को जागरूक और शिक्षित नहीं किए तो डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत कतई नहीं बनेगा। और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक ठेके पर प्रोफेसर, भाई मुझे प्रोफेसरी की वजह से तो आपने सम्मानित नहीं किया, अगर प्रोफेसरी की वजह से डिग्री की वजह से सम्मानित करना होता तो मेरे विश्वविद्यालय के कुलपति को बुलाते, लेकिन आपने मुझे सम्मानित किया क्योंकि आपने महसूस किया मैं यहाँ बैठे अधिकांश लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन चूंकि जैसी जगह पर मिल रहा हूँ मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं नए लोगों से मिल रहा हूँ, क्योंकि ये रिश्ता विचारों का रिश्ता है। आपके भी दिल में जो फूले अम्बेडकर पेरियार हैं वही हमारे भी दिल में हैं, आप जो भारत बनाना चाहते वही भारत हम भी बनाना चाहते, इसलिए हमारा रिश्ता विचारों का रिश्ता है। आपके सम्मान को, आपके इस प्रेम को सर आँखों पर लेकर लौट रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो बहुत मुश्किल का काम है, जिन लोगों के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ वो बहुत जालिम लोग हैं, उन्होंने गोविंद पंसारे कलबुर्गी गौरी लंकेश से लेकर के तमाम लोगों की हत्याएं की हैं, वो आज भी हमारे लोगों को सबसे ज़्यादा जेल में डाले हुए हैं, भीमा कोरेगांव के नाम पर आज भी लोग जेल में हैं, और आज भी डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर अगर हक मांगो, रहा होगा एक जमाना साहब एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने काटा रहा होगा, आज मेरे अपने विश्वविद्यालयों में तमाम लोग जाति देख करके इंटरव्यू में नंबर दे रहे हैं, नए द्रोणाचार्यों ने आज के एकलव्यों का अंगूठा नहीं काटा, पूरा का पूरा हाथ काट लिया है, अब आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलने वाली। चलिए जेएनयू डीयू में आपको दिखाता हूं कि कितने लोगों का इंटरव्यू में नंबर कम दे करके उनको वैकेंसी से बाहर कर दिया, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू कर दिया, और लागू करने के बाद आप क्यों नहीं, इस देश का ओबीसी प्रधानमंत्री ये बात कहता है कि मंडल कमीशन कहता था कि 52% रिजर्वेशन 52% ओबीसी को होना चाहिए, और अगर तुम ओबीसी प्रधानमंत्री हो तो घोषणा करो कि ईडब्ल्यूएस की अपर लिमिट 50% क्रॉस होने के बाद 50% 52% रिजर्वेशन हम इस देश की ओबीसी आबादी को देंगे, तुम्हें केवल वोट लेना है, इसलिए झूठ बोलते हो कि मैं तुम्हारी जाति का हूं। जाति के साथ सबसे बड़ा अन्याय अत्याचार ये हो रहा है। दलित पैंथर मूवमेंट इसी महाराष्ट्र का था, और आजकल कुछ पैंथर उनकी गोद में मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। अगर आंदोलनों का यह हश्र होगा तो मैं फिर से कह के जा रहा हूं, हम अपने पुरखों को इसलिए याद किए कि हमारे पुरखे लायक थे, उन्होंने इतना कुछ किया कि उनके दम पर हम यहां खड़े हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे डर क्यों नहीं लगता, मुझे डर इस बात से जरूर लगता है कि मैं जाता हूं तो लोग पहचान जाते हैं कि ये है वो लड़का जो इतना बोल रहा है, तो जो पहचान कर दिल मिलाता है वो हाथ मिलाता है, जिसको मैं चुभता होऊंगा वो कल को क्या करेगा मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं। जान जोखिम में लेकर वो सच बोल रहा हूं जिसको इस मुल्क के अखबार नहीं लिख सकते, इसलिए क्योंकि हमारे से ज्यादा जोखिम तो हमारे पुरखों ने उठाया था, और अगर वो न होते तो मैं भी उत्तर प्रदेश के किसी गांव में गाय भैंस चरा रहा होता, दिल्ली इलाहाबाद विश्वविद्यालय टॉप करके दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अपनी मेरिट के दम पर नहीं बन पाया होता। मैं यहां खड़ा हूं क्योंकि भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू था, मेरे पुरखे बिरसा फूले अंबेडकर पेरियार थे। मगर आने वाली पीढ़ियां 25 साल बाद जब इस मुल्क की आजादी के 100 साल मनाए जाएंगे तो किस रूप में हमें याद करेंगी, ये मैं सोच करके अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए यहां खड़ा हूं। वो पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि जब तुम थे तो तुम्हारा बैंक सरकारी था, जब तुम थे तो तुम्हारी नौकरी सरकारी थी, जब तुम थे तो तुम्हारे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय सरकारी थे, बिना फीस दिए भी तुम पढ़ लिए और अच्छी डिग्री पा गए, जब तुम थे तो इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द था, जब तुम थे तो भारत का संविधान लागू था, जब तुम थे तो मंडल कमीशन लागू था, और तुमने हमें कौन सा भारत सौंपा है, सांप्रदायिक दंगे का भारत, सरकारी चीजों के निजी हाथों में बेच दिए जाने का भारत, हमारी नौकरियों के श्रमिक और मजदूर बना दिए जाने का भारत, और सस्ता मजदूर व्यापारी का गुलाम बन गया, हमारे हक अधिकार छीन लिए गए, तुम हमें कौन सा भारत सौंप करके गए हो। आने वाली पीढ़ियां हम पर गर्व करें, हम पर शर्म न करें, इसलिए मैं अपने हिस्से की लड़ाई केवल इसलिए लड़ रहा हूं
कि जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया अपनी चोंच से पानी डाल रही थी जंगल पर, बाकी जानवर हंस रहे थे कि इतनी बड़ी आग तुम्हारी चोंच के पानी से कैसे बुझेगी। उस चिड़िया का जवाब ही मेरा आखिरी वाक्य है। उस चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूं कि मेरी चोंच के पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा कि जब भारत का संविधान तार तार किया जा रहा था, जब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था, जब रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा था, जब रोज हिंदू मुस्लिम का दंगा का माहौल बनाया जा रहा था, जब आपके ऊपर झूठे मुकदमे जेल में भेजे जा रहे थे, जब आपके श्रमिक और मजदूरों के कानून छीने जा रहे थे, तब तुम क्या कर रहे थे? तब मेरा नाम उस आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।